सुल्तान से हम गाना गाते थे और अकबर ने कहा कि भाई तुमसे बेहतर तो कोई गाना गा ही नहीं सकता, तुम दुनिया के सबसे अच्छे सिंगर हो। तो तानसेन ने कहा जी ऐसा नहीं है, मेरे गुरु स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास जी वो सबसे अच्छे बेहतरीन सिंगर है, वो सबसे अच्छे गायक है। तो अकबर ने कहा कि नहीं तुम ऐसा झूठ कह रहे हो, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम गाते हो तो सब चीज की तुद्बुद जो है हम भूल जाते हैं। तो उसने कहा नहीं आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे गुरु हैं, पर वो वाकई में दुनिया के सबसे अच्छे सिंगर हैं, सबसे अच्छे गायक हैं। तो अकबर ने कहा ठीक है उन्हें मेरे दरबार में पेश करो। तो तानसेन ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके दरबार में आके नहीं गाएंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा उनका गाना सुनने के लिए। अकबर को पहले बहुत गुस्सा आया कि ऐसा कौन है कि भाई जो मेरी बात नहीं सुनता और मेरे दरबार में आके मेरी बात ना सुन करके गाना नहीं गाएगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा। खैर आफ्टर काफी मतलब समझाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो वो जंगल की ओर ले गए, अब छुप गए दोनों पेड़ के पीछे। तो अकबर ने तानसेन से कहा कि अरे जाओ अपने गुरु के पास, उनको बोलो कि बादशाह महाराज आए, बादशाह आए, बादशाह सलामत, तो तुम गाना गाओ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब गुरुदेव गाएंगे आप तब उनका गाना सुनेंगे, आपके कहने से वो गाना नहीं गाएगा। अब अकबर को और गुस्सा है, बात करते करते और रात हो गई और मतलब समय बीतता गया, और तब तानसेन जी के गुरु जो थे उन्होंने गाना गाना शुरू किया, और उनका गाना सुनकर अकबर वाकई में इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने फाइनली ये चीज मानी कि हाँ तानसेन तुम सही थे और तुम्हारे गुरु तुमसे कई गुना बेहतर गायक है। तो इस बात के लिए तानसेन ने कहा कि ये तो है ही, और तो फिर अकबर ने कहा कि तुम इनसे सीखते क्यों नहीं हो, मतलब जो सुबह तक जो बहुत दुनिया का महान गायक था, सबसे अच्छा गायक था, अब अचानक जो है उनके गुरुदेव अच्छे गायक हो गए, तो गुरु जी से कुछ सीखो। तो तानसेन ने उन्हें कहा कि आप जानते हैं कि गुरु जी इतना अच्छा क्यों गाते हैं, मैं आपके दरबार में एक गायक हूँ, आपको खुश करने के लिए आपकी फरमाइश पर मैं गाना गाता हूँ, पर गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ जब उनका दिल करता है वे तब गाना गाते हैं, और तब जब वो गाते हैं ना उनको किसी को दिखाना है, ना उनको किसी को कुछ जताना है, ना उनको कोई ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ाने अपने, ही इज ओनली परस्यूइंग हिज पैशन। और जब हम अपने पैशन को व्यक्त करते हैं तो आई थिंक इट कनेक्ट्स अस विद द सुप्रीम, जिसको बोलते हैं ना कि वो साधना जैसा हो जाता है। दिस वॉज अ स्टोरी आई गॉट एज ए फॉरवर्ड टूडे एंड आई वॉज सो टच विद इट एंड आई वॉज जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दिस पीस विच आई हैव रिटन। इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग, मैं बहुत सिंपल सिंपल बातें लिखती हूँ, मेरे पास कभी भी कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं होते हैं। इट सो हैपेंड दैट व्हेन आई हैड जॉइन सोशल मीडिया, तो मैं भी कोविड की ही देन हूँ, मैं भी वहीं पैदा हुई हूँ एज अ परफॉर्मर। तो भाई नया नया हमने भी इंस्टाग्राम चलाना सीखा, बड़ी फैसिनेशन होती थी, और लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहा, मैं तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा। एंड इंस्टाग्राम और ये सब चीजें एक्चुअली मुझसे तकरीबन 20 साल छोटे जो बच्चे हैं ये उनकी मतलब उनके तो जादू होता है, जैसे पता नहीं वो क्या करते हैं, जो भी करते हैं। तो बहुत परेशान मैं भी होती थी, बहुत सेल्फ डाउट होता था, अच्छा नहीं करती यार, मैं अच्छा नहीं लिखती। सो देन आई रोट दिस फॉर माई सेल्फ एंड आई थिंक दिस इज फॉर एवरी परफॉर्मर हु राइट्स, परफॉर्म्स, क्रिएट्स फॉर देयर ओन सेल्फ। तो जब लिखना शुरू किया एक शौक था, तारीफें हुई, चर्चे हुए, जोश उठा, और हमने भी सोशल मीडिया पर शब्दों को परोसना शुरू किया। फिर दिल में गहमा गहमी होने लगी, कितने लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, इसकी चिंता होने लगी, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन पाने की भूख होने लगी। जो शब्द दिल को खुशी देते थे अब लोगों की खुशी के पैमाने पर नापे जाने लगे। अपने शौक को छोड़ एल्गोरिदम्स के खेल से शक में आने लगे, वो उलझन, दूसरों से कंपैरिजन, फॉलोअर्स बढ़ाने के ज्ञान सुने जाने लगे। बाहर ये सब चल रहा था और अंदर ये कमबख्त दिल रो रहा था। वो नासमझ जो तो खुद को पाने जा रहे थे, अरसे बाद जो खाली हुआ था, अब इस झूठी चकाचौंध से वही पैमाने फिर
फिर भरे जा रहे थे। दिल की सुनो, दिमाग की नहीं, ये जो क्रिएटिविटी का नशा है ना, किसी हिसाब किताब में नहीं। लिखो क्योंकि लिखना चाहते हो, किस्मत वाले हो जो कलम से जज्बात बयां कर पाते हैं। और जो तुम्हारा है ना, वो हमेशा मिलेगा, कि मैजिक, ये जादू तुम ही में है और ये हमेशा फलेगा। थैंक यू। वेरी वेरी नाइस, थॉरली इम्प्रेस्ड। आई थिंक मेसमराइजिंग ईच एंड एवरी बोथ बोथ ऑफ देम। जो पहला स्टार्ट किया ना आपने, वो स्टोरी जो सुनाई पैशन, तो हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा ही है कि सभी पैशन वाले हैं यहाँ पर। एंड कोई प्रोफेशनल नहीं है हमारे यहाँ, नो बडी इज ए प्रोफेशनल। हम लोग यहाँ आते हैं सिर्फ जस्ट टू हैव स्पेंट क्वालिटी टाइम। और वही आपने बोला ना, जैसे गाते हैं अपने लिए गाते हैं सब। कोई यहाँ पे कोई इंडियन आइडल में जाने वाला नहीं है। तो आई रियली लाइक, आई कुड कनेक्ट टू दैट स्टोरी, बहुत बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद जो जो सेकंड सुनाया आपने, तो दैट वाज मेसमराइजिंग, अमेजिंग। मजा आ गया, मजा आ गया। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग पूर्णिमा जी, मतलब शी इज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर। और जो लिखा आपने, मतलब इट्स सो रेलेवेंट जो इसके बारे में आपने लिखा, सोशल सोशल मीडिया के बारे में। मतलब वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू यू नो सोशल मीडिया, तो बाद में फोन के साथ इतने एडिक्ट हो गए हैं हम लोग, इसके बिना सोते नहीं है, इसके बिना जागते नहीं है। मतलब इसके बिना तो सो एडिक्टेड, तो वेरी वेरी रेलेवेंट। एंड जो नरेशन है वो तो स्वेच्छा का, दैट इज अमेजिंग। तो पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी निकालना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, इसको निकाली दो, कुछ अब आ प्रॉब्लम रही है। है, अब आ अब रही है, आ रही बट है। हाँ फिर नहीं, वो एक्चुअली नहीं, अब ठीक है, अब ठीक अब है। ठीक है, ओके। हाँ एक्चुअली ये एडिक्शन तब बुरा नहीं अगर आप इसके थ्रू कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है कि सोशल मीडिया पे आप वक्त जाया कर रहे हैं या वक्त को भुना रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। बिकॉज इस पे होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड शी उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस चीज को बताया है, क्योंकि ये मैं देखती हूँ अक्सर कि जब वो आप चलते हैं तो आप देखते हैं ना, वो स्पॉन्सर्स आते हैं और वो आपसे कहते हैं बूस्ट योर पोस्ट, बूस्ट योर पोस्ट फॉर दिस मैनी रुपीज एंड दिस मैनी रुपीज। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि अगर कला सही है और सच्ची है तो वो जो वट एवर नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव, सबसे ज्यादा मायने इस बात के हैं कि लाइक्स कितने, वाकई में उसके मायने नहीं है। मायने इस बात के हैं कि अगर आपने एक स्टेंजा कभी गाना गाया है या एक पोइट्री पढ़ी है या कुछ अपना भाव व्यक्त किया है किसी भी जरिए, उसको पढ़ा जाना चाहिए। द लाइक मस्ट नॉट बी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि हाँ है कुछ, चलो लाइक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है। और अक्सर ऐसे फॉलोअर्स आते हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं या वो सुन नहीं रहे हैं एक्चुअली, तो दे जस्ट वांट टू बी देयर ऑन द पोडियम विद यू। एंड तो ये वाकई में ये अंधी दौड़ है, इस दौड़ का हिस्सा बनना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसमें कोई मजा है। तो मजा सिर्फ इसी में कि अपने पैशन को जिए जाएं और आगे चले जाएं, उस पर काम करे जाएं। बहुत नीलू जी, अच्छा लगा अच्छा नीलू जी, राजेश स्वेच्छा हैज जी। गॉट डिस्कनेक्टेड आई सपोज। स्वेच्छा तो चली गई है, डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए कोई बात नहीं, कैरी ऑन नीलू जी। बहुत ही अच्छा, जैसे सबने कहा कि लाइक अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए, और इन्होंने जो भूमिका बांधी और जो प्रेजेंटेशन थी, ऑल इन ऑल इट वाज ऑल सो वेरी गुड। और वही है कि हमें रेस से बाहर रहना चाहिए, अदरवाइज वी लूज आवर सेल्व्स। हमें दूसरे हमारे को अप्रिशिएट करते हैं, और अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म को दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अप्रिसिएशन में बह नहीं जाना चाहिए और क्रिटिसिज्म में डूब नहीं जाना चाहिए। सो बैलेंस रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। इति एक रिमाइंडर है उनकी तरफ से कि जब यस हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कोई तारीफ करते हैं अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स
इंसान है तो अच्छा ही लगता है किसी की बेदारी करना, बट उस पे बेंड हो जाना या डिपेंड हो जाना इतना कि हम यही भूल जाएं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, वो गलत है। तो एक तरीके से बहुत ही प्यारा मैसेज था अपने आप को ये रिमाइंड करवाने के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं और कहाँ कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि भूल जाते हैं लॉन्गर रन में, बट हाँ ऐसे मैसेजेस मिलते रहते हैं तो अच्छा रहता है। रीमा, बहुत उन्होंने खूबसूरती से कहा, और जब वो कह रही थी, जब नरेट कर रही थी, मुझे गूज बम्स आ रहे थे। उनके इमोशंस और बोलने का तरीका, वो वॉइस के अप्स मॉड्यूलेशन, अप्स एंड डाउन्स बहुत खूबसूरती से थे, और जिस खूबसूरती से उन्होंने पूरी हकीकत को बयां कर दिया, क्योंकि यही होता है, यही हो रहा है। आज हम अगर देखेंगे तो पागल है सब लोग कि यार कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स आए, कितना ये कितना वो, मतलब वो क्या है एक्चुअल वो भूल चुके हैं। अभी उन्हें बस ऐसा लगता है कि हमें कंटेंट चाहिए जो हमें पोस्ट करना है, बिकॉज वी वांट लाइक, बट नो यू आर नॉट एक्चुअल दैट। और उन्होंने जिस खूबसूरती से इस चीज को कहा है, काबिले तारीफ है। मीन्स मुझे पूरे उसमें गूज़बम्स आए एंड आई फेल्ट सो सो गुड, मतलब बहुत अच्छा लगा उन्हें सुनना, मुझे बेहतरीन। पूनम, सब मेरे लिए तो इट वाज लाइक वो चाइल्ड लाइक प्लेजर फील हुआ मुझे। मुझे ऐसा लगा मैं खुद छोटी बच्ची हूँ, मैं किसी को सुन रही हूँ और मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जबकि ये चीज हमें बार बार बताई जाती है। हर कोई हमें जो भी इंटेलिजेंट वाइज इंसान मिलता है वो हमेशा हमें ये बोलता है कि आपकी खुद की कला आपके लिए जरूरी होनी चाहिए, उस पे कितना अप्रिशिएशन आपको मिल रहा है, कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इट शुडंट मैटर इन द लॉन्गर रन, राइट फॉर योर सेल्फ। एंड दिस इज वॉट आई हैव लर्न टूडे, सो आई विल प्रोबेबली स्टार्ट राइटिंग अगेन, बिकॉज बहुत सारी जगहों से, अलग अलग लोगों से आज मेरे को ये चीज किसी ना किसी अलग फॉर्म में ये सुनने में मिला है कि आपको लिखना चाहिए और अपने लिए ही लिखना चाहिए। इट वॉज वेरी नाइस टू हेयर हर नरेशन, वेरी वेरी नाइस। इनफैक्ट वॉट एवर शी सेड ना, इफ आई कैन रिमेम्बर, मैं बचपन में ना जैसे कमरे के अंदर अकेला बैठा हूँ तो मैं कई बार कितना पढ़ते थे, खैर जो भी पढ़ते थे, बट पूरा पूरा दिन बैठ के गाने गाता रहता था मैं। आई रिमेम्बर पूरा पूरा दिन गाने गाते रहते थे, मतलब एक एक दूसरा तीसरा अकेले में। और अब जैसे हम लोग कर रहे हैं परफॉर्म, हफ्ते में एक गाना या 2 हफ्ते में कभी एक गाना गा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, वो बात अलग है, बट वो हम अपने लिए इतना एंजॉय करते थे ना। व्हेन आई यूज्ड टू सिंग फॉर माई सेल्फ तो इतना एंजॉय करते थे। तो यहाँ भी एक्चुअली वी आर एंजॉयिंग। आई थिंक हाँ शी इज सर, बैक, शी इज बैक, स्विच इज बैक। एक और जी बात है पूनम, सर इस पे, जो क्योंकि आपने कहा जैसे जो अपने लिए करने वाली चीज है, अब मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन मैं पढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि मैं ढूंढ ढूंढ के लोगों को कविताएं सुनाती हूँ, कोई जो सुनना चाहता है। तो मेरी माँ के साथ मेरा बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो मैं उनको अक्सर कविताएं सुनाती रहती हूँ। तो ये कर्ण वाली ही जो ये कविता है रश्मि रति, इसमें बाद में जाके एक जो उनका कुंती का और कर्ण का जो संवाद आता है उसको सुन के मैं इतनी, क्योंकि मैं उसको पढ़ रही होती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और शी ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग विद मी माई मदर। हाँ तो ये एक हमारा अपना एक बॉन्ड है जो हमने अपनी आपस की रीडिंग के थ्रू इस्टेब्लिश कर दिया है, तो ये बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। अरे शी हैज अगेन गॉन बैक। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक शी इज हैविंग सम इंटरनेट इश्यूज। चलिए, हाँ शी इज बैक अगेन। भाई स्विच का क्या हो रहा है ये? आई थिंक यू हैव रीज्वाइंड एक्चुअली। हाँ शी हैज रीज्वाइंड। आई कांट हियर यू एट ऑल। ओके, सम सिग्नल इशू। चलिए कोई बात नहीं, हमने अच्छा सुन ही नहीं पा रही है तो क्या बोलना फिर उनको। चलिए नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलिए थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्वेच्छा। आई थिंक शी कैन सी द रिकॉर्डिंग, तब सारी बुराइयां सुन लेंगी हमने जो की है उनके बारे में। हाँ।